भरोसे वालों, कैसे हैं आप सब लोग? हो सब खैरियत से होंगे? अपनी लाइफ से लम चिल्लाम कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे तो करो भरोसे वालों, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो आज के एपिसोड में कुछ अजीब दिलचस्प किस्म की खबरें हैं, इसको हमें सुनना पड़ेगा। तो बात करेंगे कमाल आर खान के बारे में, साथ में ट्रेलर रिलीज़ हुआ है चंदू चैम्पियन का। तो लिटरली मुझे चंदू चैम्पियन के ट्रेलर ने इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि बाकी क्रिटिक्स भी बोलेंगे कि नहीं बवाल है यार, बहुत बढ़िया ट्रेलर है। मैं मानता हूँ कबीर सिंह अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अच्छी मूवीज़ बनाई हैं, उसके बीच में उन्होंने चुस्से भी मारी, जैसे उन्होंने भारत मूवी बनाई थी तो उन्होंने भी ख़राब मूवीज़ बनाई हैं। और बॉक्सिंग पर ऑलरेडी हमारे पास मैरी कॉम आ चुकी है, हमारे पास ब्रदर्स आ चुकी है, दंगल आ चुकी है, सुल्तान आ चुकी है, इतनी भारी भरकम मूवीज़ ऑलरेडी हमारे पास बॉक्सिंग के ऊपर आ चुकी हैं, तो फिर क्या के कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है थोड़ा गटक के बैठे होंगे कि यार क्या बवाल ट्रेलर है, क्या एक अलग ही स्टोरी आ गई है, एक अलग ही स्टोरी आ गई है। बॉक्सिंग वर्ल्ड का तो नाम लोगों ने सुना ही नहीं है, और कार्तिक आर्यन ना बॉक्सिंग करेंगे तो भाई लोग तो मर जाएंगे, शाहरुख खान की तरह फ़ैन आ जाएंगे, टूट पड़ेंगे थिएटर के ऊपर। ऐसा नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉक्सिंग पे ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। मैं मानता हूँ कि ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन कितनी सारी मूवीज़ रियल स्टोरी पर बनी हैं। अभी सैम बहादुर भी रियल स्टोरी पर बनी थी, मर के वो अभी हिट हुई है। उसके बाद अभी ये श्रीकांत नाम की भी एक मूवी थी, वो भी एक ट्रू स्टोरी पर थी और बहुत इमोशनल स्टोरी थी, वो भी नहीं चली। अभी फिर एक बॉक्सिंग पर आ रही है, फिर एक लाइफ स्टोरी पर, एक बायोपिक पर मूवी बन के आ रही है चंदू चैम्पियन की। तो कैसे हो सकता है कि ये एक मास्टरपीस मूवी हो सकती है? मास्टरपीस मूवी वो होती है जिस सब्जेक्ट पे पहले मूवीज़ ना बनी हो, या अगर बनी हो तो उससे बहुत बढ़िया बहुत अलग तरीके से कोई मूवी बना कर लाई जाए तो तब भी बन सकती है। लेकिन जहाँ तक मैंने चंदू चैम्पियन का ट्रेलर देखा, टीजर देखा, तो उसका स्टोरी क्या है कि एक लड़का है जो कि मतलब चैम्पियन बनना चाहता था, वो फ़ौज में जाता है, फ़ौज के बाद वो डायरेक्ट कहीं और आ जाता है, उसके बाद वो चैम्पियन बन जाता है। तो इसमें नया क्या है, इसमें क्या है ऐसा कि मैं कहूँ कि नहीं जो कबीर खान ने लिख दिया है या जो कबीर खान ने डायरेक्ट कर दिया, दुनिया में दोबारा ऐसा डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। अब तो ये काम हो ही नहीं सकता, अब तो लोग अपनी हर चीज़ भैंस गाड़ी बैल बकरी सब बेच के बस ये मूवी देखने ही आएंगे, ये इतनी बवाल किस्म की मूवी बन गई। भाई ऐसा नहीं है, आप एटलीस्ट ऐसा तो करो कि ठीक तो बोलो किसी चीज़ के बारे में। अब चंदू चैम्पियन नो डाउट एक एवरेज ट्रेलर था, एक सुपर हिट या बवाल किस्म का ट्रेलर नहीं था। मैं तो उसको एक एवरेज ट्रेलर देखा, बहुत सारे मैं ऐसे ऑलरेडी ट्रेलर देख चुका हूँ। हालांकि बवाल किस्म के जो ट्रेलर रिसेंट आए हैं वो एक थंगलान मूवी का आया है, जो कि हमें देख के ऐसे डर लगता है कि यार ये क्या बना दिया। उसके बाद सूर्या की एक मूवी आ रही है कंगवा, जो कि हमें पता चलता है कि नहीं यार ये अलग किस्म का जॉनर और अलग किस्म की चीज़ है। तो ये कुछ ट्रेलर्स आए हैं जिनको देख के कहना चाहिए कि नहीं यार बहुत बढ़िया किस्म का ट्रेलर। अब चंदू चैम्पियन का ट्रेलर है वो एक एवरेज ट्रेलर है, हर 100 में से 50 मूवीज़ इस तरह की होती हैं, तो इसको हम मास्टरपीस या इस तरह से नहीं कह सकते, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश नहीं कर सकते। तो केआरके का चुट स्यापा यही है कि जिनके साथ उनकी बनती नहीं है वो कहते हैं कि ओह हो बड़ी बकवास, बहुत बकवास, किसी किस्म का खास का ट्रेलर नहीं, और जिनके साथ उनकी बन जाती है वो कहते हैं ओह हो ये नेक्स्ट सुपर स्टार है, और ये फाड़ के रख देगा बॉक्स ऑफिस को। ऐसा भाई नहीं होता। इससे पहले शाहरुख खान की जब पठान आने वाली थी तो यही चुस्सू कह रहा था कि भाई मैं फ्लॉप करवा दूंगा, मैंने ये बसनी नहीं है, पठान के शाहरुख खान बूढ़े हो चुके, अब इस बुढ़े को कौन देखेगा, 57 साल की उम्र में ये एक्शन करना चाहता है बूढ़ा, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने ऐसा रख के पेला ना, ऐसा पेला कि उसके बाद हर जगह काला चश्मा लगा के ये चुस्सू आ गया। भाई क्या जी वो हिट होगी, तुक्का था या जो भी था वो हिट होगी। उसके बाद जवान है, उसने सही से रगड़ा फेरा पिछवाड़े में, जवान इतनी बड़ी हिट होगी, फिर मौत पड़ी, फिर डंकी के पीछे पड़ गया, डंकी नहीं होगी, फिर डंकी ने भी ऐसा धोया कि फिर शाहरुख खान का भक्त बन गया। अब शाहरुख खान करता है, हर जगह पे शाहरुख खान का नाम यूज़ किया जाता है, वरना उससे पहले मजाक उड़ाया जाता था कि शाहरुख खान लास्ट होता सुपर स्टार नहीं है। तो ये एक ऐसा चुस्सू है जो कि 2-4 लोगों को पीछे पड़ गया है और बस मैं उनका गिरा दूंगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि शाहरुख सलमान खान की जो आने वाली मूवी सिकंदर है ना, उसने भी इतना बिजनेस करना है कि इसकी फट जानी है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप किसी को अच्छे नहीं लगते या किसी को अच्छा नहीं समझते तो उनकी मूवीज़ को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता। अगर लिटरली बुरी है तो भाई कहो बुरी है, अगर बुरी नहीं है तो फिर उसको बुरा कहना अच्छी बात नहीं है, और जो बुरी है उसको अच्छा कहना भी अच्छी बात नहीं है। बाकी आप लोगों से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कनेक्शन आप उसमें बना रहे, भरोसे वालों।